2017-18 रणजी ट्रॉफी सीजन में संजू सैमसन की कप्तानी में केरला पहली बार क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची। 10 साल की उम्र में जब पिता संजू को दिल्ली से केरला लाए तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ये बात होगी कि केरला की तरफ से खेल के संजू को नेशनल टीम में मौका मिलेगा भी या नहीं। बाद में संजू सैमसन केरला क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक ले गए। अभी IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट में इतना कॉम्पिटिशन है कि IPL टीम के एक कैप्टन के लिए नेशनल टीम में जगह नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। संजू विश्वनाथ सैमसन का जन्म 11 नवंबर 1994 को केरला के छोटे से गाँव पुलुविल्ला में हुआ। पिता विश्वनाथ सैमसन पेशे से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और माँ लीजी विश्वनाथ एक हाउसवाइफ हैं। पिता एक रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने संतोष ट्रॉफी में दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था। पिता के सर्विस के वजह से संजू का बचपन GTB नगर दिल्ली में ही बीता। उन्होंने अपनी स्कूलिंग रोसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। संजू ने 5 साल के ही उम्र से क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। वो अपने बड़े भाई सैली सैमसन के साथ गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। पिता अपने बेटों के क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट देखते हुए मोहल्ले में टेनिस बॉल क्रिकेट की मैचेस ऑर्गेनाइज करवाते। अगर दोनों जल्दी आउट हो जाते तो पिता उन्हें घर वापस जाने को कहते थे। इससे उन्हें अपने विकेट की अहमियत पता चलती थी और अगले बार से वो और ध्यान से खेलते थे। 10 साल की उम्र तक संजू ने DLDAV मॉडल स्कूल शालीमार बाग में कोच यशपाल जी से प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। जब ध्रुव पांडव ट्रॉफी के लिए दिल्ली U13 टीम में संजू को सेलेक्ट नहीं किया गया, तब पिता ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। फैसला दिल्ली पुलिस फोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का और केरला वापस आने का, जहां दोनों बेटे अपनी क्रिकेटिंग करियर कंटिन्यू कर सकें। क्रिकेट के इतने बड़े सेंटर दिल्ली को छोड़ के केरला आना, जहां से सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल क्रिकेटर निकले हों, ये दर्शाता है कि विश्वनाथ जी को अपने बेटों पे कितना भरोसा था। संजू ने तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में कोच बीजू जॉर्ज के अंडर ट्रेनिंग शुरू की। आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से की। दिल्ली की ट्रेनिंग और कोच बीजू की कोचिंग से संजू अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे थे। 2007 में उन्हें केरला U13 टीम में शामिल कर लिया गया। KSCA इंटर स्टेट U13 टूर्नामेंट में उन्हें केरला टीम का कैप्टन बनाया गया। टूर्नामेंट के 5 मैचेस के 10 इनिंग्स में उन्होंने 973 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 108.11, जिसमें 4 सेंचुरी शामिल थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। केरला U15 की तरफ से खेलते हुए 2008-09 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में गोवा के अगेंस्ट उन्होंने 138 बॉल पे दोहरा शतक मारा और टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने। U16 और U19 में भी वो केरला स्टेट टीम के कैप्टन थे। U19 कूच बिहार ट्रॉफी 2010-11 में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की। 4 मैच के 7 इनिंग्स में उन्होंने 356 रन मारे विद एन एवरेज ऑफ 118.66, जिसमें 2 सेंचुरी शामिल थे। इनके इस परफॉर्मेंस की वजह से साल 2011 में उन्हें इंडिया U19 टीम में शामिल कर लिया गया। 17 साल की उम्र में 3 नवंबर 2011 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। कुछ महीने बाद 23 फरवरी 2012 को लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। मलेशिया में हुए 2012 U19 एशिया कप के 3 मैच में सैमसन के बल्ले से रन नहीं निकले। 3 मैच में उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए, जिसकी वजह से 2012 U19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें इंडियन टीम में जगह नहीं मिली। 2012 IPL में KKR ने संजू को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस सीजन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। साल 2013 में KKR ने उन्हें रिलीज कर दिया। IPL 2013 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को जयपुर ट्रायल्स के लिए बुलाया। वहां घंटों नेट्स में प्रैक्टिस करने के बाद राहुल द्रविड़ ने संजू से कहा, तुम्हारे पास स्पेशल टैलेंट है, तुम बहुत आगे जाओगे। इतने बड़े खिलाड़ी से यह बात संजू को जिंदगी भर याद रहेगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने 14 अप्रैल 2013 को पंजाब के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया और अगले मैच में 41 बॉल में 63 रन मार के यंगेस्ट प्लेयर इन IPL टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी बन गए। डोमेस्टिक मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद साल 2013 में उन्हें इंडिया U19 टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया और 2014 U19 वर्ल्ड कप में वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 6 मैच के 6 इनिंग्स में 267 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 44.50, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया में हुए 2014 क्वाड्रेंगुलर सीरीज में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। टूर्नामेंट के 7 मैच में संजू ने 244 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 81.33, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। टीम के हेड कोच अभय शर्मा ने सैमसन की बैटिंग टेक्निक और टेम्परामेंट की खूब तारीफ करी और उन्हें द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी कहा। इसके बाद अगस्त 2014 में संजू को इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम के 17-man स्क्वाड में शामिल किया गया एज ए बैकअप कीपर टू MS धोनी, लेकिन वो फाइनल 11 में जगह नहीं बना सके। 2015 ODI वर्ल्ड कप के प्रोबेबल 30 में उनका नाम था।
एक साल इंडियन टीम में रहने के बाद आखिरकार 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। 2015-16 रणजी ट्रॉफी सीजन में संजू को केरला टीम का कैप्टन बना दिया गया और कप्तानी की जिम्मेदारी का असर उनके परफॉर्मेंस पे दिख रहा था। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें नेशनल टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2016 आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए अपना मेडन टी20 सेंचुरी मारा। धीरे धीरे संजू में मैच्योरिटी आ रही थी और इसका रिजल्ट उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के परफॉर्मेंस पर भी दिख रहा था। 2017-18 रणजी ट्रॉफी सीजन के 7 मैच के 12 इनिंग्स में 627 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 52.25, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। सौराष्ट्र के खिलाफ मस्ट विन मैच में 175 रन के जुझारू पारी खेल के टीम को 309 रन से जिताया और रणजी के इतिहास में पहली बार केरला क्रिकेट को क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचाया। अक्टूबर 2019 में गोवा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला दोहरा शतक मारा। इस इनिंग्स ने एक साथ काफी रिकॉर्ड्स तोड़े। नतीजा 5 साल बाद बांग्लादेश टी20 सीरीज के लिए वापस से उन्हें नेशनल टीम के लिए कॉल आया, लेकिन अभी भी वो इंडियन टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं थे और उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। सिलेक्शन कमेटी ने साफ कह दिया था कि वो ऋषभ पंत को बैक करेंगे। इसके बाद गिने चुने मौके पर उन्हें इंडियन टीम में मौका मिला और वो उन मौके का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। टी20 डेब्यू के 6 साल बाद 23 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। 2021 आईपीएल से वो राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं। 2022 आईपीएल में अभी तक उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्रिकेट पंडित्स अब भी यही कह रहे हैं कि संजू को अपने विकेट की कदर करते हुए और मैच्योरिटी से खेलना चाहिए, उन्हें अपना विकेट यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके 10 साल की उम्र में पिता के लिए डिसीजन पे लोगों ने सवाल उठाए कि अपने बेटे के करियर को खाई में धकेल रहा है, केरला क्रिकेट टीम का तो अपना कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे बेटे का क्या फ्यूचर बनाएगा। लेकिन पिता ने ये बात मान ली थी कि उनके बेटे में कुछ तो बात है, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे, और ऐसा ही हुआ। संजू ने अपने परफॉर्मेंस से अपना और केरला क्रिकेट टीम दोनों का करियर बनाया। तो हम लोग प्रे करते हैं संजू यूं ही फियरलेस बैटिंग करते रहें और थोड़ी मैच्योरिटी दिखा के अपना जगह इंडियन टीम में बना लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।